आज हम इस कड़ी धूप में हाई सेकेंडरी स्कूल चौकी चौरा के ग्राउंड में आपके लिए एक डिमॉन्स्ट्रेशन लेके आए हैं। सिंपल पेंडुलम की जो ऑसिलेशन होती है उनकी हम बात करते हैं। ऑसिलेशन आपको मालूम है टू एंड फ्रो मोशन होता है। ये जब ये रेस्ट पे है, सिंपल पेंडुलम आपका रेस्ट पे है, तो इस पोजीशन को कहते हैं हम मीन पोजीशन। और जब इसको हम इस पोजीशन पे लेके जाते हैं, ये होती है एक्सट्रीम पोजीशन। दिस इज योर मीन पोजीशन एंड दिस इज योर एक्सट्रीम पोजीशन। दिस मीन पोजीशन टू देन फ्रो देन वापिस मीन पोजीशन, ये आपकी एक ऑसिलेशन होती है। अब हम टाइम पीरियड की बात करेंगे। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड होता है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम जे सिंपल पेंडुलम लेगा, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। यानी कि यहां से स्टार्ट होके दिस टू वन एक्सट्रीम पोजीशन, सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन एंड वापस मीन पोजीशन पे, इस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना जे सिंपल पेंडुलम टाइम लेगा, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन वन सेकंड। अब हम टाइम जो है टाइम स्टॉपवॉच पे हम लगा सकते हैं और वहां से हम टाइम को मेजर कर सकते हैं और ऑसिलेशन काउंट कर सकते हैं। जितनी ऑसिलेशन एक सेकंड में जे सिंपल पेंडुलम बनाएगा, उसे हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। अगर एक सेकंड में जे दो बार ऑसिलेट करता है, तो हम उसको बोलेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। ये कहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल रोशन डीआर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।